Good evening. If alpha and beta are zeros of polynomial, if alpha and beta are zeros of polynomial, okay, x square minus 4 root 3x plus 3, then find value of alpha plus beta minus alpha beta. इसका solution देखिए. So alpha plus beta यहाँ a की value कितनी है? 1, b की value कितनी है? Minus 4 root 3 and c 3. So alpha plus beta क्या हुआ? Root 3 4 minus root. Minus b by a, that is minus 4 root 3 by 1. और एक negative इसमें भी लगेगा. क्योंकि b में भी तो नेगेटिव है 4 root 3 minus 3 का 4 root 3 आ गया हां और ये क्या है अल्फा बीटा 3 है c by a 3 तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 by 1 दैट इज c सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इट इज 4 root 3 और माइनस 3 root 3 कॉमन ले लेंगे चाहे तो root 3 कॉमन ले लो root 3 4 minus root 3 4 minus root 3 वरना इतने भी छोड़ सकते हो ओके सो इफ वन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इफ वन जीरो अभी यही क्वेश्चन आपसे कराएंगे तो आपको लिखना हो तो लिख लो हां सर जल्दी सर कर लेंगे इफ वन जीरो ऑफ पॉलीनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर सो x स्क्वायर चलिए जीरो है प्लस 13x इक्वेशन और प्लस 6 से इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर अनुराग मैथ में कितने मार्क्स आए हैं सर पता चलना देन फाइंड ए सर इसके एक एसएसटी के पता चले अच्छा कैसे तो हमें ए का पता करना है सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अगर इसका जीरो अल्फा है तो दूसरा कितना है वन बाई अल्फा और उनका प्रोडक्ट बताओ सर सिक्स अल्फा ए स्क्वायर प्लस नाइन वन बाई अल्फा दैट इज सी बाई ए होता है यस सर तो दैट इज वन इज इक्वल टू सी कितना है सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन सर अल्फा से अल्फा कट नहीं जाएगा तो कट गया वन आ गया तो ए स्क्वायर प्लस नाइन सर स्क्वायर से ए नहीं कटेगा और यहाँ पर कैपिटल सी लिख लो और ए लिख लो क्योंकि ये जो स्मॉल है वो ऑक्यूपाइड है तो हम वो नहीं लिख सकते तो अब यहाँ पर मैंने देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है क्या सी बाई ए होता है तो ये वन आ गया यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू सिक्स ए तो बताइए ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन ये क्या हुआ जीरो तो इसके टुकड़े करो थ्री थ्री माइनस थ्री ए प्लस नाइन क्या हो गया तो ए माइनस थ्री और ए माइनस थ्री इट इज इक्वल टू जीरो सो ए माइनस थ्री सर ए इक्वल टू थ्री इज जीरो सो ए इज इक्वल टू थ्री दो वैल्यू आ गई एंड थ्री तो थ्री रही फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दे आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये खुद करके बताइए इफ दे आर जीरो
जो भी हो ए और बी की अलग न्यूमरल वैल्यू आएंगी वो मुझे आप बताएंगे। हाँ कोशिश तो करनी है ना एग्जाम तक। और कोई बता रहा है कि करें इसके जीरोस हैं, तो क्या वो माइनस बी बाई ए होता है? तो ए और बी ही इसके जीरोस हैं, जरा इससे माइनस बी बाई ए निकालो। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ क्या है? ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू ए और सी की वैल्यू बी है। तो मैं माइनस बी बाई ए लिख रहा हूँ, दैट इज माइनस ए बाई वन। तो बताइए ए प्लस बी कितना आ गया? माइनस ए, तो 2a क्या आ गया? b। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर? c बाय a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c बाय a। लेकिन जीरोस तो a और b है ना, अब प्रोडक्ट वहां से जरा c और a की वैल्यू बताओ। तो b और a की वैल्यू 1, तो क्या b से b कटा और a 1 आ गया। a को 1 यहां डालो तो b क्या आ गया? ठीक है, माइनस भी आ गया, ये माइनस है कि नहीं? और ये बी इधर ले गए, तो इसका मतलब है कि बी को यही रखो और ये माइनस टू ए आया, तो बोलो अब वन यहाँ जाना डाल दो, तो बी कितना आ गया? माइनस टू। और ए कितना आ गया? वन। चलो नेक्स्ट इज polynomial. If sum of zeros of ky square plus 2y minus 3k is equal to twice their product. Twice their product. Yes, sir.
product का मतलब product of zeros. Sum of zeros is equals to two times product of zeros. ये दिया गया है. और आपको ये बताना है कि k क्या है. देखो भाई आप यहाँ देखो तो सम ऑफ जीरोस फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ ऐसे लिखो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या इसे मैं माइनस बी बाई ए लिख दूँ और टू टाइम्स इसे क्या लिख दूँ क्या ए और ए कट गया मैं बी और ए की वैल्यू रखूँ यहाँ बी की कितनी मिल रही मुझे बताओ तो 2y मिली और c की जगह रखो c की कितनी है माइनस थ्री के ठीक है y तो नहीं रही इतनी बात सही है तो बोलो ये 2 से 2 कट गया तो k कितना आ गया 1 by 3 सही है तो k 1 by 3 हो गया अब देखें कि now if alpha and beta are zeros of polynomial ठीक है चेक भी करेंगे अगर ऐसी बात होगी सर क्या x square minus x सर मैं बोल रहा हूँ इसके जल्दी बोल रही है ठीक है such that alpha minus beta is equals to 9 find k alpha minus beta Thank you.
लोग ना तो पेन वापस आता इंक देख लो फूल गया क्या चल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल सच दैट ठीक है अल्फा एंड बीटा क्या है जीरोस हैं तो इसमें सच दैट अल्फा माइनस बीटा कितना नाइन तो अब हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तो उससे हमें पता चल जाएगा तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है यहां से सर माइनस बी अपॉन है तो माइनस बी बाई ए तो माइनस ऑफ माइनस वन बाई वन तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया वन और अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया बोलो दैट इज इक्वल्स टू नाइन तो टू अल्फा कितना हो गया तो अल्फा कितना हो गया यहां से देख के बताओ बीटा कितना हो गया अल्फा तो फाइव हो गया ना सो अल्फा फाइव हो गया तो फाइव प्लस बीटा वन है तो बीटा कितना हो गया माइनस फोर हो गया इतनी बात समझ आ गई चाहे तुम इसमें फाइव डाल दो तो जीरो ना आ जाए क्योंकि वो उसका जीरोज है जरूरी नहीं है बीटा निकालना तो मैं एफ में क्या डाल दूं बताओ ये एक्स की जगह फाइव डाल दिया तो दैट इज फाइव स्क्वायर माइनस फाइव और माइनस के तो इसे क्या जाना चाहिए जीरो तो ये कितना है 25 माइनस 5 माइनस के तो के कितना हो गया 20 आप इसको डालोगे तो भी वही आएगा नेक्स्ट देखिए इफ पी एंड क्यू आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल इफ पी एंड क्यू आर जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 फाइंड square plus q पिंक नहीं सर पिंक क्वेश्चन में बताओ p और q है तो p प्लस q क्या होगा यहां से देखिए माइनस b बाय a यस सर सो दैट इज माइनस ऑफ माइनस 7 बाय 2 तो 7 बाय 2 आ गया p प्लस q और pq क्या हुआ सर pq 3 बाय 2 है c बाय a दैट इज 3 बाय 2 तो p प्लस q होल स्क्वायर में पुट कर देंगे pq अब इसके बाद p प्लस q का होल स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p ठीक है अब देखो हमें चाहिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq ये इसकी वैल्यू पता है क्या p प्लस q की yes, कितनी होती है 7 बाय 2 रखो 49 और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और प्लस 2pq yes, की वैल्यू भी रखो 3 बाय 2 तो 2 2 चला गया तो ये 49 बाई 4 माइनस 3 और यहाँ क्या बचेगा 37 बाई 4 अगर रख दें तो 49 माइनस 12 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर सो दिस इज 37 बाई 4 नेक्स्ट इज इफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल चैप्टर के दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस px
equals to minus three. ठीक है सर, सही है. P is equal to 5, Q is equal to minus 3. दुबारा मत बताना ठीक है आपको. हाँ सर, नहीं बताएंगे पक्का. सर मतलब सम डबल या प्रोडक्ट डबल? दोनों. जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल जो अल्फा बीटा है वो डबल, तो दूसरे टू अल्फा टू बीटा, इसके जीरोस उसके जीरोस के डबल इन वैल्यू. आया देवांशी, आनंदिता, आदित्य. करें कितना आया आपका? माइनस सिक्स है क्या? क्यों पी कितना आया? माइनस फाइव. चलो, तो जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल इसके हैं टू अल्फा और टू बीटा. किसके जीरोस हैं? आर किसके जीरोस हैं बताओ? टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस पी एक्स प्लस क्यू, क्योंकि इसके जीरोस हैं वो डबल है और जो दूसरे वाले के डबल नहीं है वो अल्फा बीटा है. तो जरा ये बताओ टू अल्फा प्लस टू बीटा कितना हुआ? यहाँ से क्या माइनस पी, यहाँ से देखो. अच्छा, और टू अल्फा इंटू टू बीटा कितना हुआ? सर टू को कॉमन नहीं ले सकते, वो ले नहीं है, आप ले लेना अभी लेंगे. और इसके अलावा बताओ अल्फा बीटा किसके जीरो है? जीरोज ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री. तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा. और अल्फा बीटा कितना हुआ? माइनस थ्री बाई टू. यही वैल्यू यहाँ रखकर हम पी और टू पा सकते हैं. यदि मैं टू कॉमन ले लू तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? माइनस पी. अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दो? लेकिन जीरो से ये तो नहीं बताया ना, से टू कट जाएगा और ये टू से टू कट गया तो पी कितना आया? माइनस फाइव. माइनस फाइव आया. और अब यहाँ पे देखो कि इसी में रखो फोर अल्फा बीटा क्या है? सर क्यू है. तो बताओ माइनस अल्फा बीटा कैसे होगा? टू इंटू टू फोर. टू इंटू टू तो अब ये इससे कट गया तो बोलो क्यू कितना आया? माइनस सिक्स. मेरा आंसर आ गया था. तो अब आया था तो आपने भी तो बोला नहीं, आपने तो सर टू को कॉमन ले सकते. कॉमन थोड़ी होता प्रोडक्ट में, कॉमन कहाँ से आ जाए? टू इंटू टू का तो टू इंटू टू इंटू टू. बोलो सर टू तो कॉमन ले लिया, टू ही तो आया. x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x प्लस
सम ऑफ जीरोस है वो कितना है माइनस वन है तो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 फाइंड के. K equals to minus 2. ठीक है तो ये कितना आया k by 2 आ गया. अब ये सारी वैल्यू इसमें डाल दो क्यों क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्या है 21/4 है ठीक है. तो अब हम एक और काम कर रहे हैं एक अल्फा बीटा इसमें ऐड करें और एक अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या इसे 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा लिख सकते हैं. इससे तो कोई दिक्कत नहीं है यही है इट इज 21/4 तो इतने से क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 21/4 इसकी वैल्यू देखो यहां से 25/4 और अल्फा बीटा k/2 इट इज 21/4 तो 25/4 है और इसको इधर ले आओ माइनस 21/4 तो उधर क्या चला जाएगा k/2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 तो 4/4 इस k/2 तो इससे क्या पता चला k कितना आ गया 2 आ गया यही 10 सवाल करके दिखाई फिर आगे तूने वो माइनस कर दिया था. अरे नहीं मैंने वो माइनस 5/2 की जगह नीचे 2 की जगह 4 ले लिया. पचास में तो अनार का जूस मिल जाता है भाई जूस क्यों पियो बढ़िया जूस पियो यार में पढ़ाई करो. यस सर तो दिल्ली के एरिया में मैनेजर है ना वो हमारे भाई जूस के साले साथ में 80,000 सर यहाँ पे पीडब्ल्यू खुलने वाला है स्कूल का आके कार्तिक को पकड़ लिया था. चलो नंबर ले अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन अल्फा
सर और अल्फा बीटा क्या 1/3। तो अब फॉर न्यू पॉलिनोमियल या फॉर डिजायर्ड पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, उसके जीरोस ही यही है, तो हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए कि नहीं। तो सम ऑफ जीरोस को क्या कहेंगे, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, नाउ ये 2012 का क्वेश्चन है। अब इसमें 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इससे इसमें डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा और इससे इसमें डिवाइड करो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 प्लस अल्फा। सही है, इसका जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें आओ, 1 का मल्टीप्लाई करो अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब नीचे आ जाइए, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा और अल्फा प्लस अल्फा बीटा। यहाँ तक ठीक है। अब क्या यहाँ कोई चीज कैंसिल हो रही है, और भी कुछ हो रहा है, -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो 2 तो यहाँ से आ गया, तो 2 माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे क्या आ रहा है, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, अल्फा बीटा कितना आया है ऊपर से देखो, अल्फा बीटा 1/3। ठीक है सर, 500 का आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या आंसर आया बताओ सर, इसका आ रहा है 4x² - 10x - 24। ठीक है, दैट इज आंसर है x² - 2x + 3। रिकंसाइल करो अपने आंसर से इसको, अब जरा देखो यहाँ तक आ गए बात, तो क्या लिख देंगे बताओ, 2 और 1 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू डालो यहाँ से 1/3 और अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2/3 और अल्फा बीटा क्या है, अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 1/3 क्या होता है सर, -2/3। अच्छा ये बताओ 1 माइनस 2/3 क्या होता है सर, क्या 1 माइनस 2/3 सर 1/3 और 1/3 में अगर 1/3 और जोड़ दिया जाए 2/3 सर 2/3 तो इसको लिखो 2/3 क्या नीचे के 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4/2 कितना होता है 2/2 1/2 यार 2/4। अभी बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, दैट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा है, इसका प्रोडक्ट करो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, जरा 1 का करो तो 1 माइनस बीटा, अब माइनस अल्फा का करो, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अब नीचे आए, पहले 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा 1 माइनस और अंदर में बीटा प्लस अल्फा कॉमन ले लीजिए और प्लस अल्फा बीटा और नीचे सर अल्फा बीटा को कॉमन ले 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा वो एक ही बात है और प्लस अल्फा बीटा निगेटिव दोनों का निकाल दिया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू डालो सम की तो क्या हो जाए -2/3 तो 1 माइनस -2/3 और प्लस अल्फा बीटा क्या है सर 1/3। ओके नीचे भी 1 प्लस -2/3 सर ऊपर आ जाएगा और प्लस 1/3 सर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस -2/3। देख लो 1 में अब ऐड करना है 2/3 समझ में आया, तो 1 प्लस 2/3 और प्लस 1/3 क्या मुझे बताओगे 2/3 + 1/3 कितना होता है, 3 आएगा सर, आंसर 3 होगा और 1 माइनस 2/3 आंसर ऊपर तो 2 आ जाएगा ना, देख लो 2 आएगा सर 2 आएगा समझ लीजिए 2/3 और 1/3 जोड़ो 2
जोड़ दो फिर, तो ऊपर टू आया और से नीचे आया माइनस वन, नीचे वन में से टू बाई थ्री घटाओ वन बाई थ्री में वन बाई थ्री जोड़ो टू बाई थ्री, सो टू बाई थ्री हो गया। तो इससे क्या होगा बताओ, थ्री नीचे की चीज पलटती है तो थ्री आ गया। और सर टू कैसे हुआ सर, कौन सा बताओ, देखो नीचे माइनस में तो सर जीरो नहीं होगा सर, नीचे 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 वाला सर वो थ्री होगा, वन बाई थ्री और प्लस वन बाई थ्री सर थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री होगा, ये कितना हुआ वन बाई थ्री सर, अच्छा वो थ्री बाई टू इंटू टू होगा, थ्री बाई टू इंटू सर जीरो होगा ना, नीचे वाला करें अलग से, अरे सही तो नहीं, कोई बात नहीं उनको अलग से फुट कर, ये थ्री ठीक है और थ्री माइनस टू प्लस वन तो फोर माइनस टू बाई थ्री, ये ठीक लग रहा है, अब सही है। आपने वन को अलग रखा था ना सर, वो थ्री बाई टू था ना, वन माइनस और फिर इन दोनों को आपने मैनिपुलेट किया तो माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री कैसे, ये बड़ा है थ्री बाई थ्री क्यों होगा सर, वो ये माइनस का ये प्लस का, अरे क्या हो गया देखो आगे बढ़े सर, वो थ्री बाई टू इंटू टू होगा, वो आपने टू बाई टू लिख दिया, थ्री बाई टू इंटू टू होगा, थ्री ऊपर चला गया, अच्छा ऐसा लिखा है क्या, कोशेंट होता है ना ये बुक पे है, नीचे की चीज पलट गई। अब देखो बोलो डिजायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी सम ऑफ जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और बाहर एक के लगा देंगे, पता नहीं के की जरूरत पड़ी जाए, सब वन बाई टू वन बाई थ्री में आ रहे हो, पाई नहीं पड़ी, चलो पी एक्स, तो ये के आ गया और अंदर क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस कितना, टू ठीक है, तो माइनस टू एक्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस थ्री के वन, सो के वन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री फॉर के इज इक्वल टू वन, बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन करो, दो एक साथ करवाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर फोर ये करिए, सेकंड अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, ये 13 में आया हुआ क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, फाइंड पॉलीनोमियल, एक जैसा ही है, फाइंड पॉलीनोमियल हूज जीरोज आर, हूज जीरोज आर वन प्लस बीटा बाई अल्फा एंड वन प्लस अल्फा बाई बीटा, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना, फिर ऐसे ही पुट करना, समझ में आ गई बात, सर रुक जाओ ये तो अभी करके बता देता, कट नहीं होता मैं पेपर दे, दूसरा वाला